ड्यू सीरीज में आज के एपिसोड में हम घूमेंगे घोगला बीच पर। दीव का सबसे अच्छा बीच है ये घोगला बीच। इसे ब्लू फ्लैग बीच घोषित किया गया है। इस घोगला बीच को गवर्नमेंट ने ब्लू फ्लैग बीच डिक्लेयर किया है। तब से यहाँ पे काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं। सबसे बढ़िया चेंज मुझे लगा कि यहाँ जो वॉशरूम है मेरे पीछे वो इतने क्लीन है जो मैंने शायद इंडिया में कभी इतने क्लीन टॉयलेट्स नहीं देखे। सो ये घोगला बीच पे मैं अभी चल रहा हूँ। अभी जो लाइफगार्ड थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे 47 लोगों का स्टाफ है जो कि बीच को क्लीन रखते हैं, टॉयलेट्स क्लीन करते हैं, लाइफगार्ड है, सब कुछ मिला के 47 पर्सनल यहाँ पे काम करते हैं और इस बीच को साफ सुथरा रखते हैं। और ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो ये दिख भी रहा है, इन लोगों की जो मेहनत है वो दिख रही है, क्योंकि बहुत ही साफ़ सुथरा बीच है और एक प्लास्टिक का एक रैपर भी आपको इस बीच पे देखने को नहीं मिलेगा। आप यहाँ आके रियली सोच में पड़ जाएगी कि आप इंडिया के कोई बीच में हैं या किसी फॉरेन के बीच पे हैं, क्योंकि इतनी साफ़ सफाई, इतनी क्लीनलीनेस मैंने कहीं पे भी नहीं देखी है। सो गुड, अच्छा हो रहा है इंडिया में तो अच्छी बात है, टूरिस्ट को कुछ अच्छा फील होगा, कुछ अच्छा जानने को देखने को मिलेगा। सो आप जब भी आइए दीव तो ये घोगला बीच पर ज़रूर आइएगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी मेंटेन किया हुआ बीच है। ऐसे कई वॉच टावर्स भी आप देख सकेंगे, वहाँ पे ऊपर लाइफ गार्ड बैठा हुआ होता है जो कि ध्यान रखता है कोई अंदर दरिया में काफ़ी अंदर ना चला जाए। सो ओवरऑल फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है यहाँ पर। अगर आपको शांत और क्लीन बीच एंजॉय करना है तो जब भी दीव आए यहाँ ज़रूर विजिट करें। फिलहाल हम लोग घोगला बीच पे हैं एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ शाम बिताने का ना एक अलग ही मजा है। यहाँ का पानी जो है वो काफी क्लीन है। मुझे पर्सनली समुंदर किनारे बैठे बैठे बस उसे देखते रहना बहुत पसंद है। अगर मुझे माउंटेन्स, हिल्स या फिर सीशोर, ये दोनों में से कोई ऑप्शन चुनना हो ना तो मैं दरिया ही पसंद करूँगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कहाँ विजिट करना, आपको कहाँ घूमना ज़्यादा पसंद है, दरिया किनारे या पहाड़ियों में।
और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स पसंद है तो उसका भी यहाँ मजा ले सकते हैं। भाई मैं तो कहूंगी कि अगर दीव आते हैं तो एटलीस्ट एक पूरा दिन या फिर कम से कम एक सुबह या एक शाम यहाँ जरूर बितानी चाहिए और सारी फिक्र भुला देनी चाहिए और बस अपनी मस्ती में चलते रहना चाहिए।